नमस्कार व्यूअर्स, आपका स्वागत है। और आज हम चर्चा कर रहे हैं श्री अनीश जी से एक बार फिर। हाल ही में श्री अनीश जी और साधु संघ के डिवोटीज कुछ डिवोटीज काशी गए थे, और काशी में कुछ दिन वो वहां पर रहे, और वहां पर बड़े विलक्षण आध्यात्मिक अनुभव भी हुए, क्योंकि मेरी उन डिवोटीज के साथ भी बात हुई। तो मुझे लगा कि जो लोग काशी नहीं जा पाए हैं या जो लोग आगे काशी जाना चाहेंगे, तो उनके लिए भी एक अच्छा, ये एक मार्गदर्शन भी रहेगा, एक आप इसको कह सकते हैं कि इट विल बी अ गुड काइंड ऑफ अ हैंड गाइड काइंड ऑफ अ थिंग। सो और ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि हम लोग कई बार ऐसी जगहों पर जाते हैं, लेकिन हम बहुत सुनकर जाते हैं कि आध्यात्मिक अनुभव बहुत होती हैं, लेकिन बिना उन आध्यात्मिक अनुभवों को लिए हुए आ जाते हैं, और शरीर और मन की थकान दोनों ही कई बार ज्यादा बड़ी होती है ऐसे पिलग्रिमेजेस के सेंटर्स पर जाने पे। और खासकर जो हमारे युवा हैं, जब हम परिवार में उनको भी साथ लेकर जाते हैं, तो उनको वैसे अनुभव नहीं हो पाते। और सनातन परंपरा में आगे उनको और घनिष्ठता से जोड़ने का जो हमारे सबका उद्देश्य है, वो भी संभव नहीं हो पाता है। तो इस दृष्टि से हम थोड़ी चर्चा करेंगे कि क्या व्यवहारिक पक्ष हैं काशी के, क्या आध्यात्मिक पक्ष हैं काशी के, क्या सांस्कृतिक पक्ष हैं काशी के। सबसे पहले मैं श्री अनिश जी का धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने अपना समय निकाला। अनिश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद अरुण जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं सबसे पहले अनिश जी ये चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा खुद ही काशी यात्रा के बारे में जो है वो बताएं कि कैसे ये काशी यात्रा फलीभूत हुई, और कब से कब तक ये काशी यात्रा हुई, और एक मोटा सा एक खाका जो है अगर आप हमारे लिए खींच सके। करेक्ट। तो ये हम तकरीबन 1 हफ्ता पहले काशी यात्रा से होके आए और संघ के साथ गए। कुछ 25 साधक मित्र हमारे साथ में थे, और अरुण जी, ये हमने पहली बार साधक मित्रों के साथ तीर्थ यात्रा का एक प्रोसेस शुरू किया है। ऐसे मेरे जीवन में, आध्यात्मिक जीवन में, साधना के समय मैंने व्यक्तिगत बहुत सारी तीर्थ यात्राएं की, मगर कभी भी हमने समूह के साथ, साधक ग्रुप्स के साथ, एक एज अ मेडिटेटिव प्रोसेस हमने कोई यात्रा नहीं की थी। तो काशी उसकी शुरुआत थी, और हम सभी ने, साधक मित्रों ने, हमने 5 दिन काशी में स्पेंड किए। और काशी क्यों? इसलिए क्योंकि काशी तो खैर काशी है, इसके विषय में हम आगे बात करेंगे, बट एक पर्सनल मेरा उद्देश्य भी था, क्योंकि मेरे साधना जीवन की शुरुआत, ऐसे तो शुरुआत बचपन में हुई, बट जब मैंने सब कुछ त्याग के साधना को अपनाया कुछ 18 वर्ष पहले, तो मैंने पहली यात्रा जो की वो काशी की थी। और एक कहते ना, लाइफ इज अ फुल सर्कल, तो एक ये सर्कल कंप्लीट करना था, या ये सर्कल का कंप्लीशन है, या ये एक किसी नई चीज की शुरुआत है, ये मैं नहीं जानता। ऐसा लग रहा है कि शुरुआत है नहीं, बट वो एक सर्कल कंप्लीट किया काशी का, जो मैंने 18 साल पहले शुरू किया था। और इसी काशी से कुछ नई शुरुआत भी हो रही है। उन नई शुरुआत की बात हम अगले एपिसोड्स में कभी करेंगे, आज हम काशी पे बात करेंगे। तो हाँ, हमने 5 दिन सभी साधक मित्रों के साथ खूब खूब काशी यात्रा की। जी अरुण जी, तो जैसा आपने कहा कि तो काशी क्यों, इसको मैं इस तरीके से जोड़ता हूँ कि भारत में बहुत सारे तीर्थ स्थान हैं और जहाँ पे सत्य बहुत अधिक है, और आप स्वयं धर्मशाला में जहाँ आश्रम है, जहाँ मंदिर भी है एक, तो महादेव जी का, तो वो भी अपने आप में एक बड़ा विलक्षण स्थान है, क्योंकि वहां शिव और शक्ति का मिलन है, शायद अकेला ऐसा दुनिया में स्थान है। तो आप पहले से ही इतने बड़े सत्य वाले स्थान पर हैं, तो ये काशी, और मैं इसलिए भी ये पूछ रहा हूँ कि एक आध्यात्मिक यात्रा जिसकी भी चल रही है या जो शुरू करना चाहता है, जिसके मन में वो तड़प है, तो उसे काशी क्यों जाना चाहिए, और काशी का क्या महत्व है इस दृष्टि से कि ये भी मैं साथ में एक छोटा सा प्रश्न और जोड़ देता हूँ कि हम कुछ ऐसे तीर्थ स्थान हैं हमारे यहाँ, वैसे तो हजारों हैं, कि जिनको कहा जाता है कि उनको जरूर हमें जाना चाहिए, वहां पर जरूर विजिट करना चाहिए, और उसमें काशी का नाम सबसे एक तरीके से टॉप पर ही आता है। तो इसके बारे में अगर आप थोड़ा सा बता सकें, और आध्यात्मिक जो सीकर्स हैं, जो
अध्यात्म की यात्रा पे जो जो शुरू कर रहे हैं या रास्ते में हैं, वो कैसे काशी को देखें, क्यों काशी? सुंदर प्रश्न है अरुण जी। जब मैं कॉर्पोरेट जीवन में था, हम लोग टेक्नोलॉजी बिजनेसेस चलाते थे उस समय भी और आज भी, मैं 2 दशकों पहले की बात कर रहा हूँ। अगर किसी भी व्यक्ति को टेक्नोलॉजी में बिजनेस बनाना होता था तो सभी एडवाइस करते थे कि या तो आप अमेरिका में सिलिकॉन वैली जाओ, और भारत में ही है तो आप बैंगलोर जाइए। आप आज भी ये देखते होंगे। तो क्यों ऐसा है कि अगर आपको टेक्नोलॉजी का बिजनेस करना है या कुछ टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म बनाना है तो क्यों सिलिकॉन वैली या क्यों भारत में, लेट्स से बैंगलोर, अब तो और भी सेंटर बन गए बहरहाल। क्योंकि हर क्षेत्र की एक अपनी ऊर्जा है, और अगर आपको किसी एक पर्टिकुलर क्षेत्र में प्रयास करके कुछ हासिल करना है तो आपको एक इकोसिस्टम चाहिए होता है। तो स्टार्टअप का इकोसिस्टम लेट्स से बैंगलोर में बहुत अच्छा है, बॉम्बे में, दिल्ली में, और सॉफ्टवेयर का इकोसिस्टम अगर हम अमेरिका की बात करें तो सिलिकॉन वैली कैलिफोर्निया में बहुत अच्छा है। ये मैंने एक एग्जाम्पल दिया। अब हम तीर्थ की बात करते हैं। तीर्थ स्थान भी एक अरुण जी एक इकोसिस्टम की तरह काम करता है। ये वह जगह होती है जहां बहुत सारे वर्षों से बहुत साधुओं ने, तपस्वियों ने, योगियों ने यज्ञ किए हैं, साधनाएं की हैं, तपस्या की है। और जब भी आप कोई साधना या तपस्या करते हो, कुछ कोई भी सिद्ध पुरुष कोई साधना तपस्या करते हैं, तो वो जो ऊर्जा है, वो जो वाइब्रेशन है, वो उस पूरे एरिया में फैल जाती है। अब वर्षों बाद भी जब आप उस क्षेत्र में जाएंगे तो आप उस ऊर्जा का अनुभव करेंगे, और सिर्फ अनुभव नहीं करेंगे, आप अपनी साधना में उस ऊर्जा का लाभ भी उठा सकते हैं। ये बना तीर्थ स्थल जहां ऐसी ऊर्जा हो। ये परिभाषा हुई तीर्थ स्थल की, ऊर्जा का क्षेत्र। अब आते हैं काशी पे। हम देखिए, हम तो सब शिव के भक्त हैं, शिव के प्रेमी हैं। ये शायद पृथ्वी पे एक ऐसी जगह है मेरी दृष्टि में जो शायद सबसे एंशियंट है। यहाँ सिविलाइजेशन सबसे एंशियंट है, और इसका प्रमाण ये है। अगर आज भी काशी जाओगे, कुछ कुछ क्षेत्र ऐसे हैं, कुछ कुछ मंदिर ऐसे हैं, कुछ कुछ घाट ऐसे हैं जहां आपको बैठ के लगेगा कि आप कुछ हजार साल पीछे आ गए हो। सैकड़ों की बात नहीं कर रहा, कुछ हजार वर्ष पीछे आ गए हो। आप तपस्वियों की भूमि पर बैठे हो, आपको ऐसा फिजिकली आपको ऐसा अनुभव होगा। और जैसे स्टोरी जाती है कि जब माँ शक्ति, माँ पार्वती ने बड़ा आग्रह किया शिव को कि आप सब समय कैलाश पे ही रहते हैं, आई नीड अ सोशल लाइफ, तो कोई एक ऐसी पृथ्वी पे भी कोई जगह हो जहाँ आप हम जाके रह सकें, कोई कहाँ जहाँ चार मित्र हों बात करने के लिए, मेरी सखियां हों, सहेलियां हों, एक्सेट्रा। तो शिव और शक्ति यानी माँ पार्वती ने मिलके काशी काशी नगरी को बसाया था। ये शिव की नगरी है, और इसका भी प्रमाण है। अरुण जी, आप काशी में किसी भी दिशा में चले जाओ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, हर 10 50 100 मीटर पे आपको कोई शिव का एंशियंट मंदिर मिलेगा। और उस एंशियंटनेस का प्रमाण ये होगा, जैसे ही आप उस मंदिर के अंदर जाओगे, वहां की वायु, वहां की खुशबू, वहां का वातावरण और वहां की ऊर्जा आपको हजारों साल पीछे ले जाएगी। आपको लगेगा वाकई कि आप शिव की नगरी में, शिव के स्थान पे हो। ये अनुभव इतना प्रफाउंड है कि आप ना चाहते हुए भी इसको अनुभव करोगे। तो काशी समागम है शिव और शक्ति का, और काशी समागम रहा हजारों तपस्वियों का। कुछ नाम लेके मैं आपको उदाहरण देता हूं। आदि शंकराचार्य का बहुत गहरा संबंध है काशी से, बुद्ध का बहुत गहरा संबंध है काशी से। इनफैक्ट बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन जो दिया वो काशी से बस 5 7 किलोमीटर दूर सारनाथ में ही दिया। वो काशी के घाटों पे ही थे जब जब घाट से निकल के वो सारनाथ गए और पहला अपना उन्होंने डिस्कोर्स प्रवचन दिया। गुरु नानक, महाशिवरात्रि के दिन गुरु नानक काशी गए थे महाशिवरात्रि के उत्सव में भाग लेने के लिए। कबीर साहब काशी में ही हुए, रामकृष्ण परमहंस काशी यात्रा पे गए। हजारों संतों की सूची है जिन्होंने काशी को अपना स्थान बनाया और तपस्या की। तो वो ऊर्जा कहाँ जाएगी? वो ऊर्जा आज भी काशी की भूमि में, काशी की मिट्टी में, काशी की वायु में है। इसलिए शायद ये सबसे बड़ा तीर्थ स्थल है। आई वोंट से कि ये रिलीजियस स्थान है, ये बहुत मिस्टिकल
स्पिरिचुअल स्थान है, ये आध्यात्म की भूमि है, सो हेंस काशी। काशी और बनारस मेरी, मैं दर्शकों को बता दूं कि श्री अनिल जी के साथ इस विषय में चर्चा भी हुई थी, मुझे बड़ी दिलचस्प बात लगी और मुझे लगा कि ये चीज दर्शकों के साथ भी शेयर होनी चाहिए, क्योंकि ऐसा इंटरप्रिटेशन मैं गया हूँ काशी स्वयं भी, पर ऐसा इंटरप्रिटेशन मेरे जो जब मैं वापस मुड़ के देखता हूँ तो मुझे लगता है कि वाकई एक नॉर्मल व्यक्ति जब काशी जाता है तो कंफ्यूज हो जाता है कि स्पिरिचुअल जगह है लेकिन इतनी ज्यादा भीड़ भड़का, इतनी ज्यादा मारामारी और इतना ज्यादा जो है देयर इज अ केओस जिसको आप कहते हैं। तो हालांकि शायद उस केओस में भी एक सिस्टम है, जो जब आप ये बात समझेंगे कि काशी और बनारस नाम दोनों एक ही हैं लेकिन दोनों में बड़ा फर्क है, और शायद लोग बनारस जाके आ जाते हैं और काशी तक नहीं पहुंच पाते, तो ये बात मुझे समझ में आई। अब तो मैं अनिल से थोड़ा सा आग्रह करूंगा कि इस विषय पे थोड़ा प्रकाश डालें कि काशी और बनारस व्हाट इज द डिफरेंस। ये बहुत अद्भुत है अरुण जी, सभी दर्शकों के लिए, कि एक ही जगह के दो नाम हैं और दोनों बड़े अद्भुत नाम हैं। बनारस में तो रस जुड़ा ही हुआ है, तो अगर आप देखें तो बनारस बहुत फेमस है अपने रसों के लिए। हाँ, बनारसी पान से लेकर बनारसी कचौड़ी और संगीत के घराने, सभी प्रकार के रस आपको बनारस में मिलते हैं। और इससे पहले मैं बोल रहा हूँ कि काशी तो शिव की नगरी भी है, शिव की ही नगरी है एक्चुअली। हाँ, द्वारपाल भी बिठाए हैं शिव ने वहां पे, हाँ, काशी की रक्षा करने के लिए। बनारस तो इसको ऐसा देखते हैं, पहले शिव बड़े मायावी भी हैं, थोड़ा खेल भी खेलते हैं, थोड़ा छुप के रहते हैं, तभी शिव हमेशा से एक कैलाश में वास करते हैं। हाँ, ये प्रतीक है कि शिव थोड़ा छुप के रहते हैं क्योंकि मिस्टिकल हैं शिव बहुत। यही अंतर है बनारस और काशी में। बनारस बाहर की लेयर है, भौतिक लेयर है, हाँ, जहां आपको कचौड़ी, जलेबी, पूरा सड़क का शोर, हॉर्न, ट्रैफिक, ये सब दिखेगा। हाँ, कुछ लोग आपको फ्लीस करेंगे, आपसे पैसा लेने की कोशिश करेंगे, मंदिर में दर्शन कराने के लिए आपसे पैसा लेंगे, आपको लाइन में, ऑल ऑफ दैट। बहुत सारे लोग जब इस सिटी में जाते हैं तो वो बस इसी लेयर तक रह जाते हैं और इसी लेयर का, या ना बनारस की लेयर का ही अनुभव करके आते हैं। बट काशी एक बहुत भीतर की मिस्टिकल लेयर है। जब आप बनारस के रसों को भेद के थोड़ा सा मौन में, थोड़ा सा ध्यान में जाते हो, और अगर आप अपने आप को, स्वयं को अवेलेबल कर पाते हो, तो काशी के दर्शन होते हैं। और अगर आपको काशी के दर्शन हुए बनारस की लेयर को भेद के, तो ये काशी बहुत मिस्टिकल है। शायद काशी का रहस्य अरुण जी जाना ही नहीं जा सकता है। ये शिव के रहस्य वाली बात है। क्या कोई शिव को जान पाएगा कभी पूरी तरह से? शायद नहीं। इसी तरह काशी को भी जान लेना शायद असंभव है, हाँ, मगर काशी को अनुभव कर लेना संभव है। तो बनारस हुई बाहर की लेयर, रसों की लेयर, केओस की लेयर, और काशी उसी जगह की भीतरी मिस्टिकल लेयर है, एक ऊर्जा का क्षेत्र। अब इसको अनुभव कैसे करोगे? जैसा मैंने कहा, आप किसी भी प्राचीन मंदिर में, वहां जाके कहीं कोने में, आपको आपको गर्भगृह में जाने की जरूरत नहीं है, आप किसी भी कोने में बैठ के शिव को याद करें। और अगर आप वाकई तीर्थ की तरह गए हो, आप टूरिस्ट की तरह नहीं गए, फर्क होता है। एक आजकल शब्द बड़ा प्रचलित हो गया, स्पिरिचुअल टूरिज्म। हाँ, नहीं, पिलग्रिमेज, यानी तीर्थ एक अलग डायमेंशन है और टूरिज्म एक अलग डायमेंशन है। आप टूरिस्ट की तरह जाओगे तो आप कचौड़ी जलेबी खा के वापिस आ जाओगे, और आप तीर्थ की दृष्टि से जाओगे तो आप शिव को साथ लेके आओगे। आप कहीं किसी भी मंदिर में, किसी पेड़ के नीचे आप मौन में बैठे, थोड़ा सा शिव का ध्यान करो, थोड़ा सा शिव को याद करें, आंख बंद करें, और आपको काशी की डीपेस्ट लेयर्स ऑफ मिस्टिसिज्म में प्रवेश मिल जाएगा। आपकी आंखों से आंसू आने लगेंगे, आपको बोलना मुश्किल हो जाएगा, आपको आंख खोलना मुश्किल हो जाएगा, और उसके बाद जब आप बनारस की गलियों में वापस जाओगे तो आपको वो शोर शोर जैसा सुनाई नहीं देगा। अब आपको दिखेगा कि शिव ने कितनी माया रची। टूरिस्ट को वो अपने पास नहीं आना देना चाहते, हाँ, भक्त को, साधक को, वो चाहते हैं कि तुम रसों को भेद के भीतर आ जाओ और भीतर काशी के दर्शन हो जाएंगे। तो ये डिफरेंस है नाम, इन दोनों नामों में बड़ा भेद है, इन दोनों नामों में अरुण जी बड़ा राज है। तो आप
सिर्फ बनारस टूरिस्ट होके आ जाते हैं या काशी के तीर्थ में शिव के दर्शन करके आते हैं? ये दो अलग अलग डायरेक्शन है, दो अलग अलग डायमेंशन है एक ही शहर की। ये अद्भुत है काशी के बारे तो में। बनारस इज बेसिकली व्हाट यू कॉल दैट लेयर ऑफ माया, जी एंड वंस यू नो पेनिट्रेट थ्रू दैट लेयर थ्रू साधना और बाय चैंटिंग और बाय डूइंग ध्यान ऑफ शिव, पर नहीं तो कंप्लीट सरेंडर ही, क्योंकि शिव जी तो बड़े भोले बाबा ने कहा जाता है कि बड़े आसानी से मान जाते हैं कि मन में अगर भाव भी हो और किसी भी मंदिर में जाके तो देन यू वुड बी एबल टू विजिट बेसिकली काशी। तो मुझे लगता है कि दर्शकों को एक संदेश ये भी है कि ऐसा नहीं है कि बनारस को आप जो है वो इग्नोर कर दें। शायद आपकी जैसे श्री जी कहा करते हैं कि जब आपकी बाहर की यात्रा पूरी हो जाएगी तभी आपकी अंदर की यात्रा होगी, तो आप बनारसी कचौड़ी बनारसी पान का भी आनंद लें, रस का भी आनंद लें, लेकिन दैट कैन नॉट बी योर प्राइमरी एम ऑफ विजिटिंग बनारस। जी इसको हम ऐसे भी बोलते हैं कि आप बनारस को थोड़ा सा भोगो, बट उन भोगों में इतने मत लीन हो जाना कि काशी के योग में आप एंटर ना कर पाओ। सो भोग की अपनी स्थान है और योग का अपना स्थान है। अगर आप सिर्फ भोग पे रह गए तो आप काशी की जो भीतरी शिव की लेयर है, जो मिस्टिकल लेयर जिसको मैं बोल रहा हूँ, आध्यात्म की जो लेयर है, आप चूक जाओगे उससे। और मेरी दृष्टि में अरुण जी, इसको शिव ने ऐसे ही डिजाइन किया है। शिव नहीं चाहते कि अगर आप भोग विलास में ही व्यस्त हो, इफ यू आर जस्ट एंजॉइंग द आउटर लेयर ऑफ लाइफ, तो शिव चाहते हैं फिर आप उसी में रहो ना, फिर आप आपको फिर मेरी याद ही नहीं आएगी। हाँ, मगर उसको जब आपकी भुक्ति हो जाए उस जलेबी कचौड़ी से, जब आप मुझको तहे दिल से याद करो, प्योर हृदय से आप जब मुझको याद करोगे, तो काशी में आपको प्रवेश मिल जाएगा। जी एक प्रश्न, वहां गंगा माता जी हैं और जैसे आपने बोला कि महादेव का एक बड़ा मिस्टिकल स्वरूप वहां पे मिलता है देखने को अनुभव करने को, तो गंगा माता जो है उनका आपको लगता है कि क्या वहां पर जो मैथ्वेंट हाउ इंट्रिंसिकली इट इज लिंक्ड टू दिस होल एक्सपीरियंस ऑफ काशी। देखिए, जो काशी में गंगा जी का स्वरूप है वो बड़ा परिपूर्ण जैसा स्वरूप है। मुझे ऐसा लगता है कि माँ गंगा और शिव उनको आप अलग नहीं कर सकते हो। हाँ, जहां भी माँ गंगा होंगी, शिव की अनुभूति वहां बहुत होने वाली है आपको। क्यों शिव ने यही स्थान चुना, इसके पीछे भी मुझे ऐसा लगता है एक राज है, मिस्टिकल राज। माँ गंगा की पूरी यात्रा जो गोमुख से निकल के गंगा सागर तक जाती है, उस पूरी यात्रा में एक ही ऐसा स्थान है जहां पे गंगा ईस्ट की बजाय नॉर्थ की तरफ चलती है। ये अद्भुत है। आपको कोई नदी नॉर्थ की तरफ जाती नहीं दिखेगी, क्योंकि नॉर्थ तो माउंटेन्स है। आपको सभी नदियां वेस्ट की तरफ जाती है, ईस्ट की तरफ जाती दिखती हैं। करेक्ट। काशी में एक ऐसा टर्न है माँ गंगा के पाथ में, वेयर गंगा जी टेक्स अ टर्न और गंगा जी का प्रवाह नॉर्थ की तरफ है। इसको ऐसा समझ सकते हैं कि यहां गंगा जी आके फिर शिव से मिलना चाहती है। हाँ, वो फिर से कैलाश की तरफ अपना रुख कर रही है। इसी वजह से शायद शिव और माँ पार्वती ने इसी स्थान को चुना होगा, क्योंकि वो माँ गंगा की भी पुकार थी कि यहां से मैं आपको आपके फिर से दर्शन करना चाहती हूँ। तो जो माँ गंगा का स्वरूप है वहां पे, ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव, इस बार जब हम गए तो वो मानसून वाला था, कई घाट भी डूबे हुए हैं माँ गंगा में। बट अरुण जी, आप जितने मर्जी चिंतित हो, व्याकुल हो, आपको संसार से बहुत कंप्लेंट्स हो, तकलीफें हो, आपको जिंदगी में समझ नहीं आ रहा हो कि आपको क्या करना है, आप कंफ्यूज्ड हो लाइफ के अलग अलग चीजों को लेके, आप कुछ मिनट काशी में माँ गंगा के किनारे बैठे और छुए माँ गंगा को, ये ऑलमोस्ट गारंटी है कि कुछ चंद मिनटों में आपके कंफ्यूजन, आपकी तकलीफें, आपका जो माइंड इतना विचलित है, इट विल स्टार्ट टू सेटल डाउन। आपको महसूस होगा कि काशी में माँ गंगा ने मुझे कुछ अद्भुत आशीर्वाद दिया है। तो ये जो स्वरूप है माँ गंगा का कि नॉर्थ की तरफ जाते हुए, आई थिंक ये इट क्रिएट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ एनर्जी इन काशी। अब इसको वहां जाके ही अनुभव किया जा सकता है। जैसे आपने कहा कि साधु संघ के मित्र गए थे और कुछ समय से या कुछ लोग काफी समय से एसोसिएटेड भी हैं साधु संघ के साथ भी और अपनी आध्यात्मिक यात्रा पर, और आपने देखा उनके आध्यात्मिक यात्रा, तो काशी से आने के बाद एज अ गुरु एज समबडी हु हैज बीन होल्डिंग देयर हैंड्स
तो क्या आपको लगता है कि उनमें जो है वो चेंज आया, लेकिन और मैं चेंज आया है इस सेंस में भी पूछ रहा हूँ, क्योंकि क्या जब कोई भी व्यक्ति वहां पर जाएगा तो क्या उसको कोई इमीडिएट चेंज जो है वो नजर आएगा, या वो कुछ सटल चेंजेस होते हैं ऑन सर्टेन प्लेन्स जो कि आपके ओवर पीरियड ऑफ टाइम रिफ्लेक्ट करते हैं? तो उस दृष्टि से जो लोग आपके साथ गए थे, मतलब मैं व्यक्तिगत रूप से किसी का नाम नहीं लूंगा या कुछ बोले, पर ओवरऑल मैं इस कॉन्टेक्स्ट में ही ये सवाल पूछ रहा हूँ, क्योंकि लोगों को कई बार ये होता है कि अरे मैं हो आया ठीक है ना, मुझे तो कुछ फर्क नजर नहीं आ रहा है। तो ये चेंजेस जो होते हैं आपने कुछ ऑब्जर्व किए होंगे, और ये चेंजेस कुछ टाइम लेते हैं और सब वो लेते हैं, और इसके साथ एक सब जुड़ा हुआ प्रश्न है, क्योंकि काशी इसको लेकर बड़ा विख्यात भी है, कि मृत्यु का डर सबसे बड़ा डर है व्यक्ति के जीवन में, और उसी इनसिक्योरिटी से मुझे लगता है सभी जूझते रहते हैं। तो और काशी में हम देखते हैं मणिकर्णिका घाट है जैसे, और भी जगह है, कि मृत्यु के डर को क्या काशी जाकर दूर किया जा सकता है, और क्या उसको एक आने वाले उत्सव के रूप में जो है वो एक परिवर्तित किया जा सकता है? तो पहले हम बात करते हैं थोड़ी सी मणिकर्णिका घाट की, फिर हम अगली बात करते हैं इस पर। भारत में काशी में स्पेशली अगर आप देखें तो जो मणिकर्णिका घाट है, इस घाट पे अरुण जी प्रतिदिन मेरे ख्याल से कुछ 80-100 या शायद इससे भी ज्यादा शवों का देह संस्कार, अंतिम संस्कार किया जाता है, उनको अग्नि को चढ़ाया जाता है, बिल्कुल गंगा जी के घाट पे। काशी में अगर आप देखें तो घाट है, तुलसीदास घाट है जहाँ रामचरितमानस लिखी तुलसीदास जी ने, और अलग अलग घाट हैं अलग अलग संतों के नाम पे। एक घाट पूरा काशी में डेडिकेट किया गया मृत्यु को। तो काशी में मृत्यु का भय नहीं है। अगर आप उस मणिकर्णिका घाट पे जाके कुछ समय रुके और आपके सामने आप देखेंगे कि कई अर्थियों को कंधा देते हुए लोग ला रहे हैं और वहां उनका अंतिम संस्कार, देह संस्कार हो रहा है, भय नहीं लगेगा आपको वहां पे। काशी में मणिकर्णिका या मृत्यु को इस तरह से डिजाइन किया गया, इस तरह से एक्सेप्ट किया गया कि ये लाइफ का पार्ट ही है। जितने भी साधक हमारे साथ गए या जितने भी और लोग वहां बैठे थे, बड़ा अद्भुत दिखा अरुण जी वहां। नॉर्मली शमशान पे आप जाने से डरते हैं हाँ, मगर ये मणिकर्णिका घाट पे काशी शहर के लोकल कुछ साधक वो वहां बैठ के बातचीत कर रहे हैं, चाय पी रहे हैं वहां बैठ के, उन शवों को जलते हुए देख के। मृत्यु को इस तरह से जीवन का इंटीग्रल पार्ट समझ के जीना, ये मैंने काशी के अलावा कहीं नहीं देखा पूरी पृथ्वी पे। और जो मणिकर्णिका घाट है, मुझे तो ऐसा लगा कि हमने शिव की नगरी में टेम्पल ऑफ डेथ यानी मृत्यु का मंदिर जैसा बनाया, जहां हम उसको पूज रहे हैं और उसको स्वीकार कर रहे हैं, उसको कंप्लीटली स्वीकार कर रहे हैं। मेरे देखे स्पेशली साधना में, जो भी मित्र साधना पे हैं उनको मणिकर्णिका घाट जाके ध्यान जरूर करना चाहिए। हाँ, वो अपने टीचर गुरु के साथ जाएं तो ज्यादा अच्छा होगा, अकेले जाने से हाँ वो बेहतर होगा, बिकॉज फिर आपका परसेप्शन ओरिएंटेशन अलग हो जाता है। तो मृत्यु को हमने स्वीकार किया, हमने मृत्यु को जीवन का एक अंग ही माना है, बिकॉज भारत में हम जीवन को ऐसा नहीं देखते ना कि जन्म के साथ जीवन शुरू होता है, मृत्यु के साथ अंत होता है। इट्स अ कॉन्टिन्यूम, ये कॉन्टिन्यूम है, और मणिकर्णिका घाट उसका अद्भुत एग्जाम्पल है। ये बहुत अनुभव का विषय है अरुण जी। अगेन मैं तो रिकमेंड करूंगा सभी मित्रों को, साधक मित्रों को स्पेशली, कि काशी और मणिकर्णिका उनको जरूर जाना चाहिए। तो ये मणिकर्णिका घाट आपको भारत में कम ऐसी जगह मिलेंगी देखने को जहां मृत्यु को इतनी ब्यूटीफुली एक्सेप्ट करके सेलिब्रेट कर रहे हैं। वहां आपको लोगों के प्रियजन, जो जिनकी मृत्यु हो गई उनके प्रियजन आपको रोते हुए चिल्लाते हुए नहीं दिखेंगे, वो चुपचाप शांत बैठे हैं साइड में, और एक तरह से वो बहुत आनंदित हैं भीतर से कि उनके प्रियजन को लास्ट मोमेंट या उनका जो देह है उसको संस्कार काशी में मिला, शिव की नगरी में। क्योंकि मान्यता तो ऐसी है, जिसका संस्कार वहां होगा वो शिव के साथ हो गया, उसकी मुक्ति हो गई वहां पे, ऐसी मान्यता है, ऐसी मान्यता है। तो प्रियजन बहुत खुश होते हैं इस बात को लेके भीतर से, और कई लोग बहुत दूर दूर से आते हैं अपने प्रियजनों के साथ। कई प्रियजन जो वृद्ध हो गए वो वहां रुकते हैं कई हफ्तों महीनों तक, क्योंकि वो अपनी देह काशी में ही छोड़ना चाहते हैं। तो देखो, आपको किसी कल्चर में डेथ को एक्सेप्टेंस की इतनी ब्यूटीफुल एक्सेप्टेंस नहीं मिलेगी कि जहां मैं बैठ के इंतजार कर रहा हूं काशी में, शिव का नाम ले रहा हूं कि यहीं प्राण त्यागूंगा, यहीं मेरा देह संस्कार हो।
कितना ब्यूटीफुल एक्सेप्टेंस है ये लाइफ का। सो ये मणिकर्णिका घाट का। और जहां तक साधक मित्रों के अनुभवों की बात है अरुण जी, ऐसी किसी भी जगह पे जो कि मतलब काशी इज एक्सट्रीमली प्रोफाउंड प्लेस, ऐसी किसी भी जगह पे जाके ऐसा असंभव है कि आपके भीतर चेंज ना आए, स्पेशली अगर आप बनारस से होते हुए काशी को अनुभव कर पाए। और ये चेंज दो डायमेंशन में आपको दिखेंगे, कुछ इमीडिएट और कुछ को समय लगेगा। हाँ, इट्स लाइक कुछ तो गया आपके भीतर, अब इसको कुछ महीने या वर्ष लगेंगे अंकुरित होने में भीतर से। हाँ, ये लॉन्ग टर्म इफेक्ट है, और शॉर्ट टर्म जो आप देख पाते हो उसी समय। तो मैं शॉर्ट टर्म इफेक्ट्स की बात करता हूँ। ऑलमोस्ट सभी साधक जो हमारे साथ इस यात्रा पे थे, उन सभी को जाके, फॉर एग्जाम्पल हम काशी विश्वनाथ मंदिर में गए, इतना भव्य इतना अद्भुत बन गया है वो। आई एम सो ग्लैड कि अब करंट रिजीम ने उस मंदिर का स्ट्रक्चर ऐसा बना दिया कि आप वहां बैठ के ध्यान कर सकते हो। अदरवाइज मेरी कंप्लेंट हमेशा ये होती थी कि ऐसे एंशंट मंदिरों में आपको भीड़ की तरह आप जाते हो, भीड़ की तरह बाहर आ जाते हो, आप ध्यान नहीं कर पाते। ये तो ध्यान के स्थल है। तो काशी विश्वनाथ मंदिर में इतना बड़ा कॉरिडोर है, आप कहीं भी बैठ के निसंकोच बिना शोर के आप बैठ के ध्यान कर सकते हो, पहली बात। दूसरा, सभी ऑलमोस्ट सभी साधक मित्रों ने जब काशी विश्वनाथ मंदिर में ध्यान किया, हम तो सभी मंदिर में जाके बैठ के ध्यान किया, एक कॉमन एक्सपीरियंस जो सबका निकल के आया, कुछ कॉमन निकल के आए, उसमें से मैं कुछ आपको बताता हूँ। पहला, सभी को लगा कि काशी उनका जो विजिट है, और ये सब पहली बार गए हैं, एवरीबडी फेल्ट कि वो पहली बार नहीं आए काशी, वो आ चुके हैं काशी। तो कोई पूर्व जन्म का कनेक्शन उनके भीतर उनकी चेतना में उनको याद आ गया। वो क्या था, उसका स्वरूप क्या था, वो उतना पकड़ नहीं पाएंगे वो, बट एक आभास आ गया दैट आई हैव बीन हियर बिफोर, ये नया शहर नहीं है, मैं यहां आ चुका हूं, आ चुकी हूं, मैं यहां रह चुका हूं, रह चुकी हूं। अपने आप में एक बड़ी रियलाइजेशन है, ये सभी को हुआ। दूसरा, हर शाम को, क्योंकि हम बहुत बहुत चले वहां पे, हर शाम को ऐसी स्थिति होती थी कि कोई कुछ बोलना नहीं चाहता था, बस गंगा जी के किनारे मौन में हम बैठ जाते थे। तो इतना गहरा मौन बिना ध्यान किए, ये दूसरा रियलाइजेशन हुआ सबको। अदरवाइज मौन के लिए आपको बहुत ध्यान प्रैक्टिसेस करनी है, काशी में स्वतः हो रहा है, स्वतः हो रहा है वो मौन। तीसरा, काशी के लोग अरुण जी, कोई चाय वाला, कोई कचौड़ी वाला, कोई रिक्शा वाला आपसे इतने प्रेम से बात करेगा, और उस 5, 10, 15 मिनट की चर्चा में वो आपको कोई ज्ञान के सूत्र दे देगा, रैंडम पीपल ऑन द स्ट्रीट। और अगर आप साधकों को रिसेप्टर हो, तो आप कोई अपने लिए मैसेज रिसीव कर लोगे। ये अनुभव भी सभी साधकों को होगा कि किसी चाय वाले ने उनको कोई एक ऐसी बात बोल दी, किसी रिक्शा वाले ने कोई एक ऐसी बात बोल दी कि उनको लगा अरे बाप रे, ये तो एक सूत्र मिल गया जीवन का। ये अनुभव भी कॉमन अक्रॉस ऑल साधक, एज ए सेड, मौन का एक्सपीरियंस कॉमन अक्रॉस ऑल साधक। और ये रिमेम्बरेंस कि हम शिव की इस नगरी में आ चुके हैं। और चौथा, जो बहुत प्रोफाउंड सबको अनुभव हुआ, मृत्यु से जो हम सबका एक भय होता है, वो जिस दिन हमने, जिस एक्चुअली हम एक रात को गए मणिकर्णिका घाट पे, हमने ध्यान किया, उस ध्यान के बाद बहुत सारे साधकों के भीतर से जो मृत्यु का एक संकोच डर जैसा है, वो काफी हद तक डिलीट हो गया, काफी हद तक कम हो गया, एक एक स्वीकार भाव आने लगा। तो आई थिंक ये बहुत चार प्रोफाउंड अनुभव रहे सभी के, और जो गहरे हैं वो मैं उन सबको बोल रहा हूँ भी, 1-1.5 साल आपको लगेगा काशी के प्रोफाउंड अनुभव जो आपके भीतर अब अंकुरित होने लगेंगे धीरे धीरे। सो दैट्स द लॉन्ग टर्म पार्ट ऑफ इट। जी आपने इतना अपना बहुमूल्य समय दिया श्रीनिश जी, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं दर्शकों से आग्रह करूंगा कि वीडियो पसंद आया हो तो शेयर करें और YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस प्रकार के विषयों पर हम आगे भी चर्चा करते रहेंगे। आप सबके फीडबैक का इंतजार रहेगा। आप कमेंट बॉक्स में फीडबैक लिख सकते हैं। साधु संघ के साथ अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो उसकी जानकारी भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगी। और मैं एक बार फिर से श्रीनिश जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा, और हम लोग जल्दी ही अनिश जी के साथ एक अन्य विषय पर चर्चा करने के लिए मिलेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। निशी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अरुण जी, बहुत बहुत धन्यवाद।